तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट एंड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। तो एसेट का जो तीन बेसिस होता है, तीनों बेसिस जो है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ कन्वर्टिबिलिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस और यूजेज लिखा है, या पे ऑन द बेसिस लिख सकते हैं। तो ये तीनों बेस से या से दोनों जो है डिवाइड होगा। तो कॉन्वर्टिबिलिटी मतलब कॉन्वर्ट मतलब ट्रांसफ़र, जो कैश पे ट्रांसफ़र कितने साल में होगा वो है कॉन्वर्टिबिलिटी। तो उसमें दोनों टाइप होता है, एक है करंट एसेट और जो है फिक्स्ड एसेट। एंड जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये जो चीज़ है ये है फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली वो चीज़ है क्या नहीं है। तो उसमें जो है टेंजिबल एक है और जो एक है इनटेंजिबल होता है। एंड जो थर्ड वन है वो है यूजेस, कैसे यूज़ करेंगे, बिजनेस के पर्पस में यूज़ करेंगे, जो है फैक्ट्री में जो होता है, जो डे टू डे वर्क जो होता है वो आप यूज़ करेंगे, क्या और किसी जो चीज़ है जो गुड्स बनाने के बाद जो चीज़ होता है वहाँ पे यूज़ करेंगे, वो है यूजेस। तो वहाँ पे दोनों चीज़ होता है, एक है ऑपरेटिंग और जो एक है वो है नॉन ऑपरेटिंग। तो देख लेते हैं कॉन्वर्टिबिलिटी, यहाँ पे दोनों टाइप देख लेते हैं। तो काइंट एसिड क्या होता है, एसिड डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर और लेस देन ए ईयर। जो है ये जो एसिड है वो कैश पे ट्रांसफ़र होता है 1 ईयर पे और लेस देन 1 ईयर पे, मतलब 6 महीना 8 महीना ये भी हो सकता है। तो लेस देन 1 ईयर का मतलब है शॉर्ट टर्म, तो इसको शॉर्ट टर्म एसेट भी बोला जा सकता है। तो अकाउंटिंग का रूल है 1 ईयर से कम अगर होगा और 1 ईयर अगर होगा तो उसको शॉर्ट टर्म कहेंगे, 1 ईयर से ज़्यादा अगर होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है, एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मोर देन 1 ईयर। तो 1 ईयर से ज़्यादा लगता है कैश पे ट्रांसफ़र होने के लिए। तो एग्जांपल लास्ट में हम देखेंगे फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इसमें पहला पार्ट जो होता है टेंजिबल एसिड आल्सो नोन एज हार्ड एसिड एंड आर मेजरेबल रिसोर्सेस एंड फिजिकल आइटम विथ ए क्लियर परचेस वैल्यू and used by a business to produce goods and services। तो जो है इसको हार्ड एसिड बोला जा सकता है, ये मेजरेबल रिसोर्सेज एंड फिजिकल आइटम है, इसको छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। एंड क्लियर परचेस वैल्यू, इसका वैल्यू होता है, क्लियर वैल्यू हो जाता है इसका by a business to produce goods and services। तो इसका एक एग्जांपल बोल लेता हूँ, तो मशीनरी क्या होता है, मशीनरी में जो प्रोड्यूस होता है, चीज़ प्रोड्यूस होता है, गुड्स प्रोड्यूस होता है, सर्विसेज नहीं, गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ से बिजनेस में, वही चीज़ बोला गया है। तो जो है इंटेंजिबल एसेट इज ए रिसोर्सेस दैट आर नो फिजिकल प्रेजेंस्ड। तो फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है उसका, उसको छू भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते, हैज़ लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर ए बिजनेस। तो इसका लॉन्ग टर्म वैल्यू होता है, जैसे ट्रेडमार्क हो जाता है, बहुत दिनों एक ट्रेडमार्क अगर कर आप किसी चीज़ का अगर ट्रेडमार्क करते हैं तो बहुत दिन हो वो
चलता है, और जो है कॉपीराइट जो होता है, अगर कॉपीराइट आपने खरीद लिया किसी चीज़ का, तो वो चीज़ आप जो डुप्लीकेट को हटाने के लिए कॉपीराइट किया जाता है, तो वो अगर कर लिया जाए तो बहुत दिन तक चलता है और कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है उसको। वो चीज़ क्या है, या कहा गया है लॉन्ग टर्म वैल्यू, मतलब लॉन्ग टर्म चलता है वो चीज़। तो यूजेस, यूजेस में क्या होता है, ऑपरेटिंग एसिड एंड नॉन ऑपरेटिंग एसिड। तो ऑपरेटिंग एसिड आर द एसिड दैट आर रिक्वायर्ड इन डेली ऑपरेशन फॉर ए बिजनेस एंड यूज टू जेनरेट रेवेन्यू फॉर कंपनीज कोर बिजनेस एक्टिविटीज। जो होते हैं कोर जो एक्टिविटीज होता है और डेली जो एक्टिविटीज होता है वहाँ पे लगता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल जो है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। यहाँ पे ऑपरेटिंग एसिड है और एक चीज़ होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेडिंग आपने फाइनल अकाउंट किया है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग में जो भी चीज़ होता है फैक्ट्री के अंदर होता है, जो भी चीज़ होता है, तो सब ये जो चीज़ है सब हो जाता है ऑपरेटिंग, और ये जो है इनकम होता है, ऑपरेटिंग इनकम हो जाता है, सेल्स ऑपरेटिंग इनकम हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है। तो ऑपरेटिंग मतलब जो आपका बिजनेस और फैक्ट्री में गुड प्रोड्यूस करने में जो चीज़ लगता है वो हो जाता है ऑपरेटिंग। यहाँ पे सैलरी आपको आपको देना ही पड़ेगा, सैलरी, रेंट आपको देना ही पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा। आप एक बिल्डिंग खरीदा है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा, हर मंथ पे ही देना पड़ेगा जो रेंट रेट जो है। इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, स्टेशनरी का जो चीज़ है वो भी हरदम लगेगा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, आपको सब लगेगा, ये जो चीज़ है सब लगेगा, बैड डेट्स को छोड़ के सब चीज़ लगेगा। ये जो है ये तो इनकम है, ये मैंने बोला था एक्सपेंस जो है समझने के लिए। तो ये जो चीज़ है ये इधर आ जाएगा, एसिड जो है यहाँ पे आ जाएगा एसिड पे। तो वो जो चीज़ है वो हो जाएगा एसिड, ऑपरेटिंग एसिड। तो ये जो है ये है आपका ऑपरेटिंग एसिड इनटेंजिबल, एंड टेंजिबल हो जाता है ये मशीनरी, प्लांट्स, ये फर्नीचर, ये हो जाता है ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग एसिड आर द एसिड दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशन। तो डेली बिजनेस ऑपरेशन में नहीं लगता है बट कैन स्टिल जेनरेट रेवेन्यू। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है इनकम देता है, डेली बिजनेस ऑपरेशन में नहीं लगता है मगर जो है कंपनी को रेवेन्यू देता है। और ये जो है अब मैं बोलूँगा जो है एग्जाम्पल क्या क्या है। तो करंट एसेट का एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग पे भी होता है और एक जो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है बैलेंस शीट पे, एसेट पे, तो वही चीज़ है। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, आपका जो है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एंड वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश गुड, वो जो है वो है इन्वेंट्री। तो जो है डेटर्स मतलब आपका कस्टमर जो है, तो डेटर्स भी हो जाता है एसेट साइड पे, करंट, करंट एसेट। तो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है, कैश इन हैंड हो जाता है, मैं दिखा देता हूँ, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक दोनों ही हो जाता है,
मैंने बैंक लिखा है, इधर बैंक लिखा है, सॉरी बैंक कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस भी हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मैंने उधर नहीं लिखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी हो जाता है, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म लोन एंड इन एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म लोन, लोन मतलब लाइबिलिटीज़ नहीं है, ये था लोन, शॉर्ट टर्म लोन। आप एक ग्रुप का स्कूल और कॉलेज हो, एक ही ग्रुप का दो स्कूल और कॉलेज है, आप एक एग्जांपल ले लो, एक स्कूल है, एक है एक ग्रुप, उसमें दो स्कूल है, दो स्कूल, तो ये ग्रुप ने इसको लोन दिया, तो दोनों एक ही ग्रुप का है, तो जब लोन का ये जो लोन लिया है वो अगर पेमेंट कर देगा तो इस नाम से एसेट साइड में आ जाएगा कि शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस कुछ लिया है ग्रुप से, ये कॉलेज और स्कूल, तो वो चुका दे रहा है, लाइबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि फ्लो तो एक ही जगह हो रहा है, ग्रुप तो एक ही है, तो लाइबिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे कोई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इसने ही किया है इस पे, और जो है एक ग्रुप ही तो है, इसका ही तो इनकम होगा अगर इन्वेस्ट करेगा तो, अलग कंपनी पे तो नहीं गया है, एक अलग ये है एक अलग कंपनी, इस पे तो नहीं गया है, सेम कंपनी पे ही कैश फ्लो हो रहा है, इधर तो नहीं जा रहा है, तो ये लाइबिलिटीज कैसे होगा, तो लोन हो जाएगा इधर। तो फिक्स्ड एसेट पे क्या होता है, लैंड बिल्डिंग प्लांट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्नीचर, ये जो है मशीन प्लांट्स, ये हो गया फिक्स्चर एंड फिटिंग्स, गुडविल, ब्रांड रिकॉग्निशन, ये जो है ये हो जाएगा इंटेंजिबल, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, ये भी हो जाएगा इंटेंजिबल। तो IAS 16 जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसने कहा है फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड, ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड जो है फिक्स्ड एसेट पे आ जाएगा। तो जो है फ्री होल्ड एसेट जो होता है एसेट व्हिच आर परचेस इन परचेस विथ लीगल राइट ऑफ ओनरशिप एंड यूज्ड, तो ये जो है लीगल राइट लेके यूज़ हो जाता है, और ये जो है लीज होल्ड वो एसेट यूज्ड बाय ओनर विदाउट लीगल राइट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे लीगल राइट विदाउट लीगल राइट नहीं होता है, लीगल राइट होता है कुछ समय तक, लीगल राइट होता है इस टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं, जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आप ये जो आपको टाइम लिमिट दिया जाता है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दिया जाता है, विदाउट लीगल राइट पूरा तरह विदाउट लीगल नहीं होता है, लीगल भी हो जाता है कुछ कुछ समय, ज़्यादातर समय लीगल होता है। तो आपको राइट दिया गया है कि अब कुछ समय तक यूज़ कीजिए इस जो है इस एसेट को, वो हो जाता है, आप अगर नेट पे सर्च कर कीजिएगा फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ जो है, उसमें आप देख सकते हैं दोनों में ही लीगल राइट होता है, मगर ये जो है पूरा लीगल राइट है, आपको पूरे लाइफ टाइम का लीगल राइट, और इसमें जो है एक टाइम का जो है लीगल राइट होता है, यहाँ पे विदाउट लीगल राइट नहीं होगा। ओके तो टेंजिबल एसेट, तो लैंड आप देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं, प्लांट देख सकते हैं, मशीन भी देख सकते हैं, इक्विपमेंट देख सकते हैं, कैश तो देख सकते हैं, इन्वेंटरी स्टॉक क्या है वो भी देख सकते हैं, ऑफिस ने क्या सप्लाई किया है वो भी देख सकते हैं आप।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज बॉन्ड का पेपर देख सकते हैं, सिक्योरिटीज आप देख सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल मतलब कैश, बिल रिसीवेबल मतलब कैश, डेटर्स मतलब कैश ही, आपका कस्टमर से जो कैश आया है वो कैश, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब भी कैश, आपने पहले से ही जो है पेमेंट कर दिया है, ये सारी चीज़ें आपका कैश, तो आप देख सकते हैं सब चीज़ें। तो ये इंटेंजिबल जो है गुडविल अब नहीं देख सकते, किसी चीज़ का गुडविल आप कैसे देख सकते हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन कैसे देख सकते हैं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कैसे देख सकते हैं, पेपर देख सकते हैं, एग्रीमेंट क्या है वो क्या देख सकते हैं आप। तो प्रोप्रेटरी आइटम्स जो है सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट अब नहीं देख सकते, डेटा बैंक अब नहीं देख सकते, एजुकेशन कंटेंट नहीं देख सकते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट किया है आप देख सकते हैं, ट्रेडमार्क किया है आप देख सकते हैं, कॉपीराइट देख सकते हैं, आपने कॉपीराइट खरीदा उसको देख सकते हैं, आपने कॉपीराइट किया इस चीज़ का देख सकते हैं क्या, कॉपीराइट ट्रेडमार्क आप देख सकते हैं, ट्रेडमार्क किया किसका, ट्रेडमार्क किया कैसे, ट्रेडमार्क कैसे देखेंगे आप, पेटेंट कैसे देखेंगे, नहीं देख सकते, ये जो चीज़ है आप नहीं देख सकते हैं। तो जो है ऑपरेटिंग एसेट, ऑपरेटिंग एसेट कैश आपको लगेगा, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैश लगेगा, इन्वेंटरी स्टॉक लगेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, उसके बाद रॉ मटेरियल से वर्किंग प्रोग्रेस जो होगा वो भी लगेगा, फिनिश गुड आपको लगेगा, उसको तो बेचना है, तो वो जो प्रोसीड्यूर है रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड वो तो होता है फैक्ट्री में ही होता है, वो बिजनेस का ही पार्ट है, तो मशीनरी डे टू डे पार्ट है, मशीनरी डे टू डे वर्क में लगता है, तो इक्विपमेंट भी लगता है, पेटेंट तो कराना पड़ता है नहीं तो चीज़ कैसे बिकेगा, तो यहाँ पे कॉपीराइट खरीदना पड़ता है, गुडविल अगर नहीं होगा तो क्यों खरीदेगा, सभी ऑपरेटिंग में आएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग आपने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट क्या आपने बिजनेस का पार्ट है, इन्वेस्ट किया तो फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया तो क्या बिजनेस का पार्ट है, हमने सेल कर दिया, एक फिक्स्ड एसेट खरीदा उसको सेल कर दिया, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, बिजनेस डे टू डे वर्क नहीं है, बिजनेस का पार्ट हो सकता है डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आएगा, आप हर रोज़ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हर रोज़ सेल नहीं करेंगे, अनयूटिलाइज एसेट जो है जो मशीन काम में नहीं लगता है वो चीज़, अब हर एसेट ही अनयूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। लोन रिसीवेबल, हर रोज़ की लोन मिलता है रिसीव होता है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो हर रोज़ क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लगता है यहाँ पे बिजनेस में, हर रोज़ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में पैसा आता है, कुछ चीज़ बनता है, ऐसा कुछ होता है क्या, डे टू डे एक्टिविटी, ये सब क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ है, कोई भी नहीं है, ये डे टू डे एक्टिविटीज हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो अब हम करेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब आपका उधार, तो करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड आर द डेब्ट और ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू एंड पेबल विद इन 1 ईयर, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 ईयर होगा, तो इसका जो है 1 ईयर पे आपको पैसा देना पड़ेगा, जो ऑब्लिगेशन है आपको, जो ऑब्लिगेशन है आपको देना पड़ेगा वो 1 ईयर पे देना पड़ेगा आपको, तो 1 ईयर के बाद अगर होगा और तो आपका नहीं होगा, 1 ईयर पे आपको देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकाउंट्स पेबल जो बिल्स पेबल है वो ये अकाउंट्स पेबल होता है, तो इंटरेस्ट पेबल जो पेबल होता है आपको देना पड़ेगा बाद में, इनकम टैक्स पेबल, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ज़्यादा पैसा जो लिया है बैंक से वो देना पड़ेगा, एक्यूर्ड जो है एक्यूर्ड एक्सपेंस, एक्यूर्ड जो है जो एक्यूर्ड मतलब जो आपको एक टाइम दे देगा उसमें ही आपको देना पड़ेगा एक्सपेंस, वो ही एक्यूर्ड है आपका। तो शॉर्ट टर्म जो है लोन, शॉर्ट टर्म मतलब ही 1 ईयर का जो होता है लोन, वो लोन तो ओवरहेड, ओवरहेड की बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, जो आउटस्टैंडिंग है वो एक्सपेंस, ट्रेड क्रेडिटर्स वो भी हो जाएगा आपका। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मतलब इसका डेप्ट जो है 1 ईयर से ज़्यादा होगा। तो जो लाइन में यहाँ पर लिखा गया है, आर डेप्ट और ऑब्लिगेशन डेट आर ड्यू एंड पेबल मोर देन 1 ईयर, तो जो है ऑब्लिगेशन डेप्ट जो है 1 ईयर से ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो 1 ईयर से ज़्यादा मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा बॉन्ड्स का पेबल जो है, लॉन्ग टर्म लोन पे पेमेंट जो है लॉन्ग टर्म मतलब ही 1 ईयर से ज़्यादा जो है, डिफर्ड जो है टैक्स लाइबिलिटीज मतलब जो है बहुत दिनों से आपने टैक्स नहीं दिया है उसका लाइबिलिटीज, मॉर्गेज मतलब आप एक जो है एग्जांपल ले लेते हैं, एक जो है आपने जो गोल्ड दे के कुछ लोन लिया है तो अभी तक आपने जो है आपका लाइबिलिटीज आपने नहीं दिया है, जो है आपका एप्लीकेशन जो है डेप जो है आपने अभी तक नहीं पेमेंट किया है उसका, तो आपका ड्यू ड्यू ही रह जाएगा। तो 1 साल का ड्यू है हमने नहीं दिया, 1 साल से ज़्यादा जो है हमने नहीं दिया है वही है मॉर्टेज। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज दैट मे और मे नॉट बी इनकर्ड, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसा कुछ, बाय ए बिजनेस डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑफ फ्यूचर अकरेंस, तो फ्यूचर में क्या होगा इसमें ही ये जो है फ्यूचर से रिलेटेड है ये जो है। देयरफोर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज आर पोटेंशियल लाइबिलिटीज, मतलब इस ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसा कुछ है, पोटेंशियल है ए आपको हो आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसा। दे आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एज सुन एज द अमाउंट कैन बी एस्टेब्लिश, अगर अमाउंट हो जा आ जाता है तब अमाउंट, अगर आपको आपका लाइबिलिटीज प्रूफ हो जाए तो वही तब वही टाइम आपको देना पड़ेगा वो लाइबिलिटीज, एंड आर शोन एज फुट नोट टू टू द बैलेंस शीट, तो फुट नोट बैलेंस शीट का जो एक फुट नोट बनाना पड़ेगा वहाँ पे लिखना पड़ेगा ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज है, लिख के देना पड़ेगा। तो लॉ सूट है जो है, प्रोडक्ट्स वारंटी क्लेम जो है, गारंटी फॉर लोन जो है, ये फुट नोट लिख के देना पड़ेगा नीचे बैलेंस शीट का, और उसके बाद लिखना पड़ेगा लाइबिलिटीज साइड में। तो एक एग्जांपल, थ्योरेटिकल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, व्हेन ए कंपनी इज फेसिंग लॉ सूट ऑफ 1 लाख द कंपनी वुड इनकर ए लाइबिलिटीज इफ द लॉ सूट प्रूव सक्सेसफुल, तो आपने एक लॉ लगाया अगर वो प्रूफ सक्सेसफुल होगा तो 1 लाख आपको मिलेगा, हाउएवर इफ लॉ सूट इज नॉट सक्सेसफुल देन नो लाइबिलिटीज वुड अराइज, तो अगर लॉ सूट फेल हो जाएगा सक्सेसफुल नहीं होगा तो 1 लाख आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मे और मे नॉट बी
इन गॉड। आपको मिल भी सकता है 1 लाख, नहीं भी मिल सकता है, श्योरिटी नहीं है यहाँ पे। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज इज ओनली रिकॉर्डेड इफ लाइबिलिटीज इज पुआबल। तो अगर पुआबल होता है, पुआबिलिटी आपका होता है, तभी होगा ये चीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मैंने सब कुछ बोल दिया।